हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आर्क मैप का यूज़ करके मैप बनाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना आर्क मैप ओपन कर लेना है। आर्क मैप जैसे ओपन आ जाए करेंगे तो ये पेज खुल कर आएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे देखिए प्लस का आइकन में एड डाटा करके आएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। आपने जो डाटा डाउनलोड करी होगी उसे एड करना है। अगर आपके पास में ये डाटा नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए ये देखिए, जैसे ये डाटा हुआ तो मेरा ये डाटा अपलोड हो गया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तो इसको मुझे रिमूव कर देना है। ये इंडिया ज़ीरो है, ये इंडिया है, और ये इंडिया वन करके जो मैंने नेम डाला है ये स्टेट है, और इंडिया टू ये डिस्ट्रिक्ट है, इंडिया थ्री ये ब्लॉक है। तो ये ब्लॉक का ज़रूरत नहीं, तो ब्लॉक रिमूव कर देते हैं। चलिए सबसे पहले क्लिक करना है, फॉलो करना है। आप चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं या नहीं भी, मैं तो कर देता हूँ और इसका वेट इस्तेमाल ले लेता हूँ। ठीक, इसी तरह इसको भी फॉलो करते हैं और कलर चूज करते हैं। इसका यह वेट टू ले लेते हैं और सिंपली ओके दबा देते हैं। ठीक, इसी तरह स्टेट का भी, डिस्ट्रिक्ट का भी फॉलो करते हैं और कलर 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 चूज करते हैं और विथ डाल देते हैं, रेस ओके कर देते हैं। चलिए तो सबसे पहले आपको आपको जो स्टेट सेलेक्ट करना हो, जैसे कि देखिए बिहार है, ये उड़ीसा है, तो जिस स्टेट का भी आप निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए आएगा सेलेक्ट एलिमेंट करके, इसको सिंपली क्लिक करना है। जिस स्टेट को भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर सिंपली लेफ्ट बटन खींचना है और राइट क्लिक करके सेलेक्ट फीचर पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी और इस पर आकर लेफ्ट राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आना है सिलेक्शन में। सिलेक्शन में जैसे ही आएंगे तो बहुत सारा आएगा, आपको सिंपली नीचे क्रिएट लेयर फ्रॉम सेलेक्टेड फीचर्स पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगी और ये देखिए यहाँ पे ये ऊपर सिलेक्शन करके आ जाएगा। तो आप इसको सिंपली रिमूव कर देना है, क्योंकि मुझे सिर्फ बिहार का चाहिए, अगर का आता तो रहेगा तो नहीं हो पाए। इसको रिमूव कर देते हैं। जैसे रिमूव करेंगे देखिए मैंने जो सेलेक्ट किया था सिर्फ वो है और सारे स्टेट चले गए हैं। तो पहले सिंपली इसको भी हॉलो करते हैं। हॉलो करने के बाद कलर चूज करते हैं और इसका वेट डाल देते हैं रेसों का। तो मैंने जो स्टेट सेलेक्ट की है उसी में से मैं कोई डिस्ट्रिक्ट ले लूँगा, तो इसको थोड़ा जूम करते हैं। आपको पता नहीं होगा क्या आपको यहाँ पे कि मेरा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको सिंपली अपने गूगल पे सर्च कर लेना है। अब जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हो आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से गूगल पे देख सकते हैं। अब जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, जैसे पटना डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, जैसे ही क्लिक गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बता देगा। ये देखिए ये पटना है, तो और ये देखिए ये मुंगेर है। बहुत सारा ज़िला है, जिस ज़िला को भी आप सेलेक्ट करना चाहें तो सिंपली फिर से आपको यहाँ पे आके सेलेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करना है और लेफ्ट क्लिक करते हुए नीचे की ओर करके राइट क्लिक करके आपको सेलेक्ट फीचर क्लिक कर देना है। देखिए मैंने जैसे किया ये हो गया, और सिंपली आपको यहाँ पे आके फिर से सिलेक्शन में आकर नीचे क्रिएट लेयर फ्रॉम सिलेक्टेड फीचर्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप करेंगे देखिए ये सिलेक्ट हो गया है, तो इसको भी हॉलो कर लेना है। हॉलो करके आप चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं और विड्थ साइज भी चेंज कर सकते हैं या फिर रहने दे सकते हैं। इसलिए मैं चेंज कर लेता हूँ। चेंज कर लेंगे देखिए यहाँ पे एक होगा फुल एक्सटेंड करके, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना, देखिए छोटा हो जाएगा। और देखिए अभी बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है जो मैंने सेलेक्ट किया है, मुझे सिर्फ वही रहने देना है। जितना भी है मैं सिंपली इसको रिमूव कर दूँगा। जैसे रिमूव करूँगा देखिए मैंने जो सेलेक्ट किया है सिर्फ वही है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो लेआउट व्यू होगा, एक डाटा व्यू होता है, आपको सिंपली लेआउट व्यू पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक फ्रेम में आ गया है। तो इसको आप देखिए यहाँ पे जैसे ऊपर में आएगा ये जूम है और ये जूम आउट है, ये जूम इन है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना। देखिए बड़ा हो जा रहा है, तो जूम आउट करते हैं। और यहाँ पे देखिए पेन है, तो पेन पे सिंपली क्लिक करके इसको जहाँ पे आपको
ठीक लगे उस पर, वहाँ पे उसको एडजस्ट कर देते हैं। बहुत बड़ा हो जा रहा है, ठीक है रहने देते हैं। अब सिंपली आपको यहाँ पे इंसर्ट में आना है, तो यहाँ पे टाइटल है, टेक्स्ट है, लीजेंड है, नॉर्थ एरो है, स्किल बार है। तो चलिए पहले टाइटल डाल देते हैं। तो मैंने मुंगेर डिस्ट्रिक्ट चूज़ किया, सेलेक्ट किया था, तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया मैप, तो इसका टाइटल हो जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया मुंगेर डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया मैप। अगर आपको इसको एडिट या फिर इसका साइज़ या फिर चेंज करना हो तो आपको सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है और नीचे प्रॉपर्टीज़ में आ जाना है। अब जैसे आएंगे देखिए यहाँ पे आएगा चेंज सिंबल के ऑप्शन पर, आपको सिंपली चेंज सिंबल पर क्लिक कर देना है। अब जैसे चेंज सिंबल पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा। ये टाइम इसलिए लेता है क्योंकि इससे लाइब्रेरी थोड़ा बहुत ही बड़ा है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। देखिए जैसे खुलेगी तो आपको इसका टैग साइज भी जितना भी आपको चाहिए बोल्ड कर देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करते, कलर है तो कलर भी चेंज कर देते हैं और ओके दबा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ओके दबा देते हैं। देखिए इसको एडजस्ट कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर देखने में ताकि अच्छा लगे। चलिए फिर से इंसर्ट में आएंगे और नॉर्थ एरो लेते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, बहुत सारा ऑप्शन है। चलिए ये वाला ही लेते हैं और फिर प्रेस ओके कर देते हैं। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, देखिए आपको जो भी कलर लेना हो, शायद आपको अगर चेंज करना हो तो बस सिंपली अप्लाई कर देते हैं। देखिए कलर चेंज हो गया, तो अब फिर से इंसर्ट में आएंगे और स्किल वाली वाली यूज़ करेंगे। तो ये देखिए स्किल वार लेंगे और सिंपली ओके दबा देंगे। देखिए स्किल वार आ गई, स्किल बार देखिए माइल्स में है तो 100 किलोमीटर मिलेंगे। तो इस पर सिंपली राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे देखिए डिवीज़न यूनिट का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे किलोमीटर आएगा और अप्लाई कर देना है। थोड़ा बड़ा है तो इसके एडजस्ट थोड़ा छोटा कर देना। देखिए यहाँ पे फिर से आएंगे, एक लीजेंड है, लीजेंड को सेट करने के लिए पहले आपको नेम सेट करने होंगे। तो जैसे कि ये मेरा इंडिया टू है तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, देखिए बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो अगर आपको नाम चेंज करना तो आप जनरल में आएंगे, इसका नाम चेंज करते हैं। जैसे कि मेरा डिस्ट्रिक्ट का नाम था मुंगेर, मैंने भी सेलेक्ट किया था, तो मैं मुंगेर डाल देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ, ओके ना। देखिए यहाँ पे मुंगेर आ गया, ठीक उसी तरह इसका भी राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, फिर जनरल आ गया। यहाँ पर आपको सिंपली जो मेरा स्टेट है वो है बिहार, तो मैं बिहार पर क्लिक बिहार लिख देता हूँ और उसको भी अप्लाई करता हूँ, ओके दबा देता हूँ। ठीक उसी तरह फिर से प्रॉपर्टीज़ में आएंगे और ये ऑलरेडी लिया है, ये ओके दबाता हूँ, ओके दबा देता हूँ। देखिए
तीनों चेंज हो गया। फिर से इंसर्ट में जाएगा और यहाँ पे रीजन का होगा तो आपको सिंपली रीजन पे क्लिक कर देना, देखिए, और नेक्स्ट क्लिक करना है। अगर आपको बॉर्डर बैकग्राउंड या फिर ड्रॉप सेट हो या कि आप जितना भी अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं सिंपली नेक्स्ट कर देता हूँ और इसका विड्थ भी आप चाहें तो बढ़ा घटा सकते हैं, हाइट भी, लाइन भी, एरिया भी। चलिए, मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं सीधा नेक्स्ट कर देता हूँ और फिनिश कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मेरा रीज़न आ चुका है। मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और इसको एडजस्ट कर देता हूँ। और अब कोऑर्डिनेट सेट करते हैं, तो कोऑर्डिनेट सेट करने के लिए आपको यहाँ पे व्यू पे आना पड़ेगा और यहाँ पे देखिए एक है डाटा फ्रेम प्रॉपर्टीज करके, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप पेज खुल के आएगा, तो आपको सिंपली एक यहाँ देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, न्यू ग्रिड, रू ग्रिड, स्टाइल, प्रॉपर्टीज, कन्वर्ट टू ग्राफिक। तो सिंपली न्यू ग्रिड पर क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करना है और फिनिश कर देना है और अप्लाई कर देना है और ओके लगा देना है। जैसे करेंगे देखिए ये पूरा लाइन लाइन में आ चुका है। और तो इसको ठीक करने के लिए आपको फिर से व्यू में जाना पड़ेगा और फिर से डाटा फ्रेम प्रॉपर्टीज़ में आना पड़ेगा। और देखिए आपको इसके ये प्रॉपर्टीज़ में आना है। अब जैसे ही आएंगे आपको यहाँ पे इंटीरियर लेवल है, लेवल है, लेवल पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे साइज़ है, साइज़ में चलिए मैं 12 ले लेता हूँ, कलर भी चेंज कर लेता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। और देखिए यहाँ पे आपको लेवल ओरिएंटेशन जो है ये टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, आपको लेफ्ट और राइट पे क्लिक करना है और लाइन पे आना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सो हैज़ ग्रिड लाइन, तो इसमें इसलिए वहाँ पर ग्रिड दिख रहा था। यहाँ पर आपको डॉट डू नॉट सो लाइन और टिक्स, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और हैचिंग में आना है। तो देखिए इंटर हो जाइए, 10 है इसको आपको 0 और इसको भी 0 और ये जो है 30 और 30 जो टाइम शो करता है, तो इसको अप्लाई करते हैं, ओके दबाते हैं, अप्लाई करते हैं, ओके दबाते हैं। देखिए आ गया और साइड में कोऑर्डिनेट भी आ गया। अब यहाँ पे नाम शो करते हैं, तो नाम शो करने के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ पे लेवल्स में आना है। ये थोड़ा टाइम लेता है, डिस्ट्रिक्ट को इस नाम से सेव किया था। मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और इसका टेक्स्ट साइज भी मैं 16 कर देता हूँ और कलर भी चेंज कर लेता हूँ और बोल्ड भी कर देता हूँ। सिंपली अप्लाई करना है और करवाना है, तो देखिए अभी नहीं आया, तो फिर से आपको इसको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे लेवल फीचर्स को सिंपली क्लिक कर देना, जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आगे आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, ठीक उसी तरह आपको फिर से बिहार में अपने स्टेट, आप जो भी स्टेट सेलेक्ट करें उस पर सिंपली क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में आना है। मैंने सेव किया वन नाम से, तो इसका भी मैं टेक्स्ट साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ और बोल्ड भी कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, ओके भी कर देता हूँ। इसे भी लेवल फीचर्स पहले भी देखिए ठीक नहीं है, जैसे क्लिक करूँगा ठीक आ जाएगा। फिर ठीक उसी तरह इंडिया पे भी आना है
पे क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। कलर चेंज करता हूँ, साइज चेंज करता हूँ। और अप्लाई करता हूँ, ओके दबा देता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, हेयर फीचर्स ऑन कर देता हूँ। देखिए आ गया है इंडिया। देखिए मेरा बन चुका है पूरी तरह से। तो आप चाहें तो इसे, जैसे मुंगेर डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया में है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार भी कर सकते हैं। तो इसको बिहार में लाने के लिए आपको आपको इंडिया को हटाना पड़ेगा। तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए इंडिया गायब हो गई। आपको सिंपली इस पर जूम कर देना है। यहाँ पे जूम इन का है बटन, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये बड़ा होगा और आपको पेन लेना है और इसको साइज पे लेकर आ जाना है। थोड़ा और बड़ा करते हैं। लेयर फीचर्स ऑन कर देते हैं। और इसको भी चेंज कर लेते हैं। इसको एडिट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट है, पहले इंडिया था अब बिहार, मैप हो गया। तो सीधा अप्लाई करते हैं, ओके दबाते हैं, पेन लेते हैं और इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं। और देखिए हैं बनकर रेडी हो गया। अगर आपको सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट को ही शो करना है तो आप सिंपली बिहार वाले पे क्लिक करेंगे और देखिए इसको जूम इन करेंगे। इसके लिए फिर से आपको चेंज कर देना है। यहाँ पे एरो वाले बटन पे सिलेक्ट एलिमेंट पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट मैप हो जाएगा और अप्लाई ओके कर देंगे।
थोड़ा सा गड़बड़ा गया, इसको फिर से ठीक कर लेते हैं। आपको इसको सेव करना है तो आप सिंपली फाइल में जाएंगे और यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट मैप करके होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे जो भी आपको नाम देना है और जिस भी JPG, EPS, LPDF, SVG, BPM, JPEG में जिस भी साइज में आपको सेव करना है तो आप इसे सेव कर सकते हैं। चलिए मैं इसे मैप का नाम दे देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। ये सेव हो चुका है। देखिए बनकर सेव हो गया। आप ये देखिए मेरा यहाँ पे सेव हो चुका है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ और देखिए फ्रेंड इसी तरह से खुलकर रेडी हो गया। तो वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।